बाहुबली माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि प्रयागराज से ही मेयर पद के लिए मैदान में उतरेंगी। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी पति की राह पर चलते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शाइस्ता ने प्रयागराज से महापौर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शाइस्ता ने कहा कि वो बसपा प्रमुख मायावती से मिलने की कोशिश में हैं। मायावती से मिलकर बसपा का समर्थन मांगेंगी। हम यही बातें रखना चाहते हैं मीडिया के सामने कि हम सांसद जी के पास गए थे, साबरमती जेल गए थे। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी से मुलाकात करो और MIM और बसपा से अलायंस हो जाए तो मेयर का चुनाव लड़ो, लड़ाना चाहते हैं सांसद जी। विकास के लिए, विकास के लिए और कार्य के लिए। विकास करेंगे आप कहाँ? विकास करेंगे, गंदगी साफ करेंगे और जो भी है कार्य करेंगे। हाँ, मुस्लिम एरिया में सफाई नहीं होती है, बिजली नहीं आती है। मेयर के चुनाव लड़ने का ही आपने फैसला लिया है, क्या वजह है? इससे शुरुआत करेंगे राजनीतिक करियर की आप? अब सांसद जी ने कहा है तो लड़ेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे। हाँ, काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। वर्तमान मेयर जो है उन्होंने 10 साल का तय किया है, कैसे लड़ पाएंगे? पार्टी भी चला रहे हैं, नेताजी के भाई हैं, यादव में उनकी अच्छी पैठ है और यादव बुजुर्ग उनको बहुत मानते हैं, इसलिए उनको लड़ाना चाहिए और वो नेताजी के खून भी हैं। अच्छा, सांसद जी ने पहले कहा था, CM योगी की तारीफ की थी, उसके बाद आपने भी उनको हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बताया था और मिलने की बात कही थी, तो मिलने का कोई टाइम मिला? क्या है अभी इसमें, क्या प्रगति हुई? 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा, बात चल रही है, 20 तारीख के बाद टाइम मिल जाएगा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी से। क्या बात करना चाहती हैं, क्या कहना है? देखिए, उनसे बात यही करेंगे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा ले, वो हमारे बच्चों को गलत फंसाते हैं और गलत गलत। शाइस्ता परवीन ने इससे पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ने की घोषणा की थी। ओवैसी की पार्टी AIM-IM से टिकट भी मिल गया था, लेकिन उन्होंने नामांकन ही नहीं किया था। अतीक अहमद इस समय गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। शाइस्ता परवीन ने कहा कि वो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM और बसपा की संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मेयर चुनाव में उम्मीदवारी की कोशिश में है। इस दौरान शाइस्ता ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि IG मेरे विरोधियों से मिलकर साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर कई लोगों के साथ प्लॉटिंग में पार्टनर हैं, कुछ रुपए कमा रहे हैं और नाम अमिताभ या यश का लगा रहे हैं, गलत फंसाते हैं और गलत गलत लोगों से, हमारे साथी के लोगों से मिलकर प्लॉटिंग करते हैं और गलत बयानबाजी करा के उनको फंसाते हैं, हमारे बच्चों को। IG जोन है, IG है, DIG है। अब हमारे लोग किस लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ मिलके हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं। जांच की मांग करेंगे आप? जी, उनसे मिलकर उनसे जांच की मांग करेंगे। अच्छा, मदरसों की पॉलिसी के लेकर क्या मांग कर रही है? देखिए, मदरसों में जो तालीम दी जाती है, मदरसों में जो चंदे से मदरसे चलते हैं उनमें दीनियात पढ़ाई जाती है, उसमें दीनियात पढ़ाई जाती है, तो वो चलते रहना चाहिए। मैनपुरी चुनाव को लेकर शाइस्ता ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गलत फैसला लिया है। कहा कि मुलायम सिंह यादव की सीट पर डिंपल यादव के बजाय शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। लंबे समय तक शिवपाल ही मुलायम के साथ रहे हैं। मुलायम की सीट पर शिवपाल से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना